आइए हम देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग दी हुई है। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को हम लोग देख लेंगे और कितना यहाँ पर लेंथ है उसका, टोटल कितना विड्थ है और टोटल कितनी हाइट है, वो देखने के बाद में फिर हम लोग इसके व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे ड्राइंग में हम लोग देखना पड़ेगा हमको कि टोटल लेंथ कितनी है और इसको हम लिख लेंगे। तो टोटल लेंथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 25, 25 एंड 25, तो ये हो जाएगा 75 mm। इसके बाद में अगर टोटल विड्थ देखें तो पूरी चौड़ाई जो है ड्राइंग की वो यहाँ पर हमको नज़र आ रही है 50 mm। इसके बाद यदि हम हाइट की बात करते हैं, इस ड्राइंग में हाइट कितनी है, तो यदि हम हाइट देखते तो हाइट यहाँ पर ये हमें 15 नज़र आ रही है और उसके बाद में ये 25, तो टोटल हो जाएगा ये 15 और 25 को हम जोड़ लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा टोटल 40 mm। तो इस तरीके से हमने इस ड्राइंग को ऑब्जर्व कर लिया और टोटल उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमेशा आपको याद रखना है कि लेंथ हमेशा हमको जो एलिवेशन दिया है फ्रंट व्यू से ही हमको लेंथ देखना है और साइड व्यू से हमें विड्थ देखना है, चौड़ाई, ड्राइंग की चौड़ाई साइड से देखना है और उसके बाद में जो ऊंचाई है वो हमको फ्रंट से और साइड से नज़र आ जाएगी। अच्छा, साथ ही आपको एक बात और याद रखना है यहाँ पर कि जो व्यू है, जैसे ड्राइंग में यदि हम देखते हैं फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में हम अगर इसकी रेस्पेक्ट से देखें, लेंथ, विड्थ और हाइट की रेस्पेक्ट से देखें, तो हमको फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट नज़र आती है किसी भी ड्राइंग का। और यदि हम टॉप व्यू से अगर हम देखें तो हमें पूरा के पूरा उसका लेंथ नज़र आएगा ड्राइंग का और पूरा विड्थ नज़र आएगा। ठीक है, जबकि अगर हम साइड से देखते तो हमें विड्थ नज़र आती है साइड से और हाइट नज़र आती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग फ्रंट देख रहे हैं, एलिवेशन देख रहे हैं, एलिवेशन को ही फ्रंट बोलते हैं, तो यहाँ से अगर हम एलिवेशन देख रहे हैं, फ्रंट देख रहे हैं, तो हमें पूरी की पूरी लेंथ नज़र आएगी एंड देन हाइट नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद में यदि हम टॉप व्यू देखें, टॉप से देखें, ऊपर से है ना, प्लान जिसको कहते हैं हम लोग, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हमें पूरी लेंथ नज़र आती है और पूरी की पूरी चौड़ाई नज़र आती है। और यदि हम साइड से देखते हैं तो साइड से हमें पूरी की पूरी चौड़ाई और ऊंचाई नज़र आती है। तो ये भी हमें याद रखना है ताकि जब हम यहाँ पर व्यू निकालेंगे उसके तो ये हमें मदद करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए हमें एक लेआउट तैयार करना होता है जिसमें ये जो लाइन है, रेड वाली जो लाइन है जो बीच से गुजर रही है, XX' हमने इसको नाम दे दिया है, ये एक्चुअल में रेफरेंस लाइन है। ठीक है, एक संदर्भ रेखा है और इस संदर्भ रेखा के ऊपर जो प्लेन है, वो संदर्भ रेखा के जो ऊपर प्लेन है वो है हॉरिजेंटल प्लेन और इस संदर्भ रेखा के नीचे होता है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ऊपर होता है क्षैतिज तल और नीचे होता है ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, और हमेशा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप ऑर्थोग्राफी बना रहे होते तो आपको याद रखना है कि जो फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है वो हमेशा वीपी में बनता है ना, तो आप वीपी का स्पेशली ध्यान रखेंगे, वीपी में बनेगा, और जो टॉप व्यू है वो हमेशा एचपी में बनेगा, हॉरिजेंटल प्लेन में बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है अपने को, अब हम लोग व्यू बनाने जाएंगे। तो व्यू बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें फ्रंट व्यू कहाँ बनाना है। एक्चुअल में जो वीपी है, जो वर्टिकल प्लेन है, वहाँ पे फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनता तो है, परंतु यहाँ पर हमारे पास में दो स्थान है बनाने के लिए, तो यहाँ बनाए कि यहाँ बनाए। तो इसके लिए हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं उसका किसी भी ड्राइंग का साइड व्यू देख के। तो साइड कौन सा साइड बनाने बोल रहा है, किसी भी वस्तु के दो साइड हो सकते हैं, तो एक लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ड्राइंग का उसने कौन सा साइड पूछा है, लेफ्ट साइड पूछा है। तो लेफ्ट साइड थर्ड एंगल में आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट में ही बनेगा यहाँ पर लेआउट में, और राइट साइड होता तो वो राइट में बनता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेफरेंस लाइन है उसको जो दो भागों में लाइन डिवाइड कर रही है वो केवल डिवाइड करने के लिए है ही है वो लाइन, तो वो रेफरेंस लाइन को डिवाइड कर रही है ना, तो ये वाला जो है वो लेफ्ट कहलाएगा और ये राइट वाला हिस्सा कहलाएगा। जब भी कोई व्यक्ति सामने से देखता है तो उसे ये वाला हिस्सा
लेफ्ट और ये राइट नजर आता है, ठीक है। तो हमें निकालना है लेफ्ट साइड व्यू, थर्ड एंगल है इसलिए लेफ्ट साइड व्यू हमेशा लेफ्ट में ही बनेगा। यदि फर्स्ट एंगल होता तो वो राइट में बनता, ठीक है, वो चेंज होता हो जाता है, परंतु यहाँ पर क्या होगा, वो लेफ्ट में ही बनेगा। तो साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा, एंड देन अब ये वाला स्थान बचा जो कि राइट कहलाता है, तो हमारा फ्रंट व्यू जो है वो राइट में बनेगा। और हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये राइट में हमने क्या बना लिया, फ्रंट व्यू बना लिया, यहाँ पर हमारा साइड व्यू बनेगा और ऊपर हमारा टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। अब व्यू बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब व्यू बनाना जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो रेफरेंस लाइन है, हॉरिजेंटल जो लाइन है, उस लाइन पर हम लोग लेंथ लेंगे, लेंथ, और जो वर्टिकल लाइन है उस पर हम लोग लेंगे हाइट। क्योंकि मैंने बोला हूँ, पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लेंथ जो है और हाइट, लेंथ और हाइट, ये दो चीज़ नज़र आती है कायम फ्रंट व्यू में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लेंथ ले लेंगे, यहाँ पर हाइट ले लेंगे, मतलब जो भी लेंथ का मेजरमेंट है वो यहाँ पे करेंगे और हाइट का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे कि कितने एरिया में ये व्यू हमारा बनेगा, है ना, इस ड्राइंग का। तो इस अगर हम देखें तो यहाँ पर, यहाँ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं ये एलिवेशन, आप यहाँ से देख रहे हैं ड्राइंग को, जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला पूरा के पूरा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये मैं इसको ए पार्ट नाम दे रहा हूँ, ए से दिखा रहा हूँ आपको, इतना हिस्सा हमें फ्रंट से नज़र आएगा। जहाँ जहाँ मैंने ए मार्क किया है उतना हिस्सा अगर हम सामने से देखते तो ड्राइंग का वो सामने वाला हिस्सा हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो इतना इतना हिस्सा हमें फ्रंट व्यू में बनाना है। तो फ्रंट व्यू में टोटल तो हम जो लेंथ है वो यहाँ पर दिखा देंगे और टोटल हाइट जो है हम इस लाइन पर दिखा देंगे। तो टोटल लेंथ हमारे पास में 75 एंड टोटल हाइट है 40, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग मेजर करते हैं कि कितने एरिया में हमारा व्यू आएगा। इसका मतलब ये साफ है कि 75 बाय 40 हमें कवर करना होगा। तो हम लोग यहां से मेजर कर लेते हैं, ये हमारा यहां पर 75 आ गया और ये हम यहां पे 40 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और इधर भी हमें 40 काउंट करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक लेआउट जो है हम कंप्लीट करते हुए चलते हैं और हमने एक मेजर कर लिया है कि कितने एरिया में व्यू बनेगा। चूंकि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है इसलिए यहां पर फ्रंट व्यू बनेगा और हम लोग यहां से उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग फ्रंट व्यू बनाना चालू करते हैं और फ्रंट व्यू में आप देखिए, यहां से अगर हम फ्रंट व्यू देखते हैं तो एक ये पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है। तो अगर हम सामने से यहां पर अगर हम इस ड्राइंग को देखें और ये व्यू देखें तो ये व्यूज को जो हम फ्रंट व्यू है यहां पर अगर हम सेट करते हैं तो ये वाला बिंदु हमें यहां पर प्राप्त होगा, ठीक है। इस बिंदु पे हमारे पास में चार बिंदु है, एक ये है, एक दूसरा और एक तीसरा और एक चौथा, तो फोर कॉर्नर है और फोर कॉर्नर पे हम लोग को यहाँ पर भी ड्राइंग के साथ में उसको रिलेट करना होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वाला कॉर्नर और ये जो चारों कॉर्नर है अगर हम यहाँ पर रिलेट करें तो ये कॉर्नर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, ये वाला कॉर्नर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, ये वाला कॉर्नर इसके साथ में होगा और ये वाला कॉर्नर इधर आएगा, तो ठीक है। तो हम बनाते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे होगा वो, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड देन यहाँ से बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, जब आप फ्रंट देख रहे हैं, यहाँ से जब आप देख रहे हैं, एक आइसोमेट्रिक आकृति है और हम इसका ऑर्थोग्राफी बना रहे हैं। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से देखने के बाद में हमें जो ये पूरा के पूरा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस ड्राइंग को पहले आप देखें तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पूरा के पूरा बना हुआ है और उसके ऊपर ये इस टाइप का कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की मोटाई कितनी है, 15 mm, ठीक है। तो हम लोग 15 बाय 75 का एक जो पूरा के पूरा जो प्लेटफॉर्म है 15 बाय 75 का जो प्लेटफॉर्म है वो हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें वो सीधा नजर आएगा, इस बिंदु से हम लोग शुरू करते हैं।
ठीक है। तो हमने एक लाइन खींच दिया है, पूरा की पूरा हमने लेंथ खींच दिया है जो कि 75 है। अब ये कितना ऊंचा है, तो ये है टोटल हमारा 15, तो हम 15 mm ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये हमने 15 mm ऊपर जाकर हमने यहाँ पर इसका जो प्लेटफॉर्म है उसको हमने ड्रॉ करा। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देंगे क्योंकि उसकी हाइट है, और यहाँ से भी हमें उसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। उसके बाद में ये 25, उसके बाद में एक स्लॉट है यहाँ पर, और एंड देन फिर 25। तो अगर हम इसको देखें नॉर्मली तो ये तो हमें सीधा नज़र आएगा 25 तक यहाँ पर एक ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में जो ये स्लॉट है, ये स्लॉट जब आप सामने से देखते तो ऊपर से देखोगे तो ये तो 12 mm अंदर गया हुआ है, परंतु अगर सामने से देखोगे तो वो हमको सामने ही नज़र आएगा, क्योंकि ये वाले जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, ये दोनों बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु तथा ये बिंदु और ये बिंदु दोनों एक दूसरे के सममित है, मतलब ओवरलैप करते हैं। अगर आप सामने से इसे देखेंगे तो ये सब क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे इसके जो चारों पॉइंट। तो ये वाला स्लॉट भी हमको सामने ही नज़र आएगा, और ये वाला स्लॉट जैसा ये नज़र आ रहा है वैसा ही हमें नज़र आएगा। तो ये हम 25 काउंट करेंगे, एंड देन 25 पर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग 25 काउंट कर लेंगे, ठीक है, और ये जो स्लॉट है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये स्लॉट हमारा दिखेगा। तो ये तीन ब्लॉक हमको ऐसे नज़र आएंगे फ्रंट से। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये हमने पूरा के पूरा ये फाउंडेशन है वो ड्रॉ कर लिया है, और हम इस बिंदु की बात करते हैं क्योंकि हमें अब हमें इस बिंदु से अब ऊपर जाना है हाइट। तो देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो ये ड्रॉइंग का पॉइंट है, यही ये बिंदु है। ठीक है, अब ये बिंदु और ये वाला बिंदु भी आपस में सामने से देखने पर ओवरलैप कर रहा है, इसलिए जो हाइट है इसकी 25, ये हमको यहीं से नज़र आएगी। ठीक है, 25 हाइट हमको यहीं से नज़र आएगी, इसका मतलब ये पॉइंट हम लोग यहीं से ड्रॉ करेंगे। कितना ड्रॉ करेंगे, तो 25। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हाइट हमने 25 ले लिया और 25 हम ऊपर आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये 15 है और ये यहाँ पर ये 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप आ गए ऊपर, ये हाइट आपने बना लिया। अब यहाँ से यहाँ पर यहाँ की दूरी कितनी है, है ना, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट से इसको ये चूंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सममित है एक दूसरे के ऊपर, तो अब हम लोग इस पॉइंट से मतलब यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे, तो कितना चलेंगे यहाँ से, यहाँ 20। ठीक है, हम 20 इधर आएंगे, उसकी जो लेंथ है, लेंथ वाला हिस्सा है, उधर हम लोग 20 mm आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे 20 mm आगे आ गए हैं, और 20 mm आने के बाद में एक नॉन आइसोमेट्रिक लाइन बोलते हैं इसको, जो 30 डिग्री पर नहीं होती है, एक नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। इसका लेंथ भी हमें नहीं पता कितना है, परंतु ये लाइन कहाँ पर आएगी, ये लाइन हम कैसे बनाएंगे, तो इस लाइन को अभी छोड़ दो, अभी पहले ये वाले हिस्से पर आ जाओ, ये वाला साइड देखो, क्योंकि ये दो बिंदुओं को मिलाकर ही बनाई जा सकती है। तो एक बिंदु तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, अब दूसरा बिंदु हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना ये है कि ये वाले अगर हिस्से की बात करें, ये वाले हिस्से की बात करें, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के सममित है, है ना, हमें नज़र आएगा। तो यहाँ से ये कितना हिस्सा है, 20, मतलब इधर अगर हम 20 जाते हैं तो हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर से देखने के बाद में ये वाला बिंदु या ये वाला बिंदु जो है, ये यहाँ से ये वाले बिंदु से ये वाले बिंदु तक, है ना, तो ये बिंदु भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सममित होगा। ये 25 है तो 5 mm इधर ही हटके ये यहाँ से कहीं ना कहीं सममित, यहाँ से देखने पर वो इसके सीध में हमको नज़र आएगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक एक दूसरे को टच करेगी। ठीक है, तो यहाँ से 25, तो ये 25 का ब्लॉक है, और हमें चलना कितना है, 20, मतलब ये 20 वाला पैसेज खाली है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 20 पर आके डॉट लगा देंगे, और एक डॉट हमारे पास में ये है, और दोनों डॉट्स को हम लोग मिला देंगे।
ठीक है। इस तरीके से हमने ये जो तिरछा भाग है, जो इंक्लाइंड पार्ट है, उसको हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो जो हमें नज़र आ रहा था फ्रंट से, वो चीज़ हमने यहाँ पर उसको दिखा दिया है, शो कर दिया है। अब ये इसका डायमेंशन भी हम कर सकते हैं। अभी रफली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 25 है, ये 25 है और ये 25 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप देखें तो ये वाली जो चौड़ाई थी इसकी, ये थी 20, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू था। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसका टॉप व्यू बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग साइड व्यू कवर करेंगे। तो हम ये काम करेंगे अगली क्लास में।